भर में शहरियों के रात 8 बजे के बाद घरों से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें कराची समेत सूबे भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान वजीर आला हाउस की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत सूबाई हुकूमत ने सूबे भर में 25 मई की रात 8 बजे के बाद शहरियों के घरों से गैर ज़रूरी निकलने पर पाबंदी आयद कर दी है। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक आज से सूबे भर में कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। डिपार्टमेंटल और सुपर स्टोर शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, ताहम बेकरी और दूध की दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेगी, जबकि जुम्मे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेंगे। तर्जुमान का कहना था कि कल से रात 8 बजे के बाद लोगों को गैर ज़रूरी घूमने की इजाज़त नहीं होगी, और इस सिलसिले में वजीर आला ने IG सिंध को गाड़ियों में घूमने वाले अफराद को रोकने की भी हिदायत की है। अगर किसी को ज़रूरी काम या अस्पताल जाना है तो उसे इजाज़त दी जाएगी। यही नहीं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने IG पुलिस को हिदायत भी जारी की है कि शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियों में घूमने से भी रोका जाए, जबकि पार्क की लाइट्स भी मगरिब के बाद बंद करने का फैसला किया गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अगर अवाम ने तआवुन किया तो 2 हफ्तों में कोरोना केसेस कम हो जाएंगे, जिसके बाद हम कारोबार खोलने की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद सरप्राइज दौरे करूंगा, अगर औकात की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई करूंगा। अगर हमने 2 हफ्ते पाबंदियों पर मुकम्मल अमल किया तो आगे आसानी होगी।